वर्धा के अवैध गर्भपात मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर ने आरवी थाने में एक पत्रकार परिषद में कहा कि सभी मामलों की जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो हड्डियों और खोपड़ी का डीएनए परीक्षण भी किया जाएगा। हालांकि इस मामले में आरोपी डॉक्टर महिला रेखा कदम एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, लेकिन भ्रूण परीक्षण उनकी सास डॉक्टर शैलजा कदम के नाम से पंजीकृत है। साथ ही इस मामले में गोबर गैस गड्ढे में भ्रूण के अवशेष और हड्डियों के निस्तारण की विधि का उल्लंघन पाया गया। हड्डियां उपजिला अस्पताल के हेमंत पाटिल के द्वारा सील कर दी गई। पुलिस ने कहा कि लैब से बोन टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि अस्पताल के पीछे गोबर के गैस गड्ढे में मिला है, उसको नस्तनाबूद किया गया था। इस बात की जांच की जाएगी कि गड्ढे में मिली 11 खोपड़ियां और 55 हड्डियों का रिकॉर्ड जब्त रजिस्टर से मेल खाता है या नहीं। पुलिस को जानकारी मिली है कि जब्त रजिस्टर में 8 महिलाओं का गर्भपात हुआ है। यह पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा कि 11 में से 8 उसके है या नहीं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि तीनों खोपड़ियां किसकी है, क्यों दर्ज नहीं किया गया, क्या इस रजिस्टर में पंजीकृत गर्भपात कानूनी है। नाबालिग लड़की के गर्भपात के मामले में तुरंत पुलिस थाने को सूचित करना आवश्यक है कि सूचना क्यों नहीं दी गई, इसका उल्लंघन किया गया, जानकारी क्यों नहीं दी गई, इसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा शिशुओं के लिंग का परीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि वे पुरुष है या महिला, पुलिस अधीक्षक ने कहा। पुलिस स्टेशन आरवी अंतर्गत एक गुन्हा दाखल झाला, एक गंभीर गुन्हा दाखल झाला, त्यामध्ये 13 वर्षाची पीडित मुलगी ही विधी संघर्षित बालकाकडून गर्भवती झाली। गर्भवती झाल्यानंतर पीडित मुलीची आई फिर्यादी तिने पोलीस स्टेशनला येण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विधी संघर्षित बालकाचे आई वडील यांनी त्याला अडवून तुम्ही जाऊ नका, आपण इकडेच प्रकरण रफादफा करू, दुसऱ्या डॉक्टरकडे आपण त्यांना नेऊ असं म्हणून तिला जबरदस्तीने तिच्या फिर्यादीला आणि पीडित मुलीला डॉक्टर कदम यांच्या हॉस्पिटलमध्ये नेला। डॉक्टर कदम हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर डॉक्टर रेखा कदम यांनी तिला चेक केलं, तिला तपासलं, तिला सांगितलं की ती 5 महिन्याची गरोदर आहे। फिर्यादी पीडित मुलगी ही आरवी पोलीस स्टेशनला आपल्या आई आणि मावशीसोबत आली। तिचं वय 13 आणि 14 साधू होते। तिने आल्यानंतर सांगितले की माझा गर्भपात करण्यात आलेला आहे, माझे ऑबॉर्शन झालेले आहे। त्यानुसार पुढील तपास करून जे आरोपी आहेत, जेही 18 वर्षाच्यापेक्षा कमी वयाचे आहेत, संघर्षग्रस्त बालक आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही नाव सांगू शकत नाही, त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, पूर्ण हकीकत जाणून घेण्यात आली, ज्याच्यामध्ये त्या मुलाच्या आईवडील आणि मुलगा यांनी पीडितेला धमकावून आरोप पाडण्यासाठी मजबूर केलं होतं। पुढच्या तपासामध्ये डॉक्टर रेखा कदम यांचं नाव समोर आलं, त्यानुसार तपासाधिकारी गिरी मॅडम आणि PSI गिरी आणि PIP दुर्कर यांनी सदरील डॉक्टर यांना ताब्यात घेऊन त्यांचा PCR घेतला होता। BCN न्यूज के लिए वर्धा आरवी से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।